अस्सलाम वालेकुम। आज जो लेक्चर हमारा जिसके बारे में है वो एक सिंपल अलार्म क्लॉक है कि मतलब हम एक टाइम सेट कर देंगे तो हमारा वो टाइम पे वो उस टाइम पे अलार्म क्लॉक हो जाएगा। तो ये आज हम देखेंगे कि एक अलार्म क्लॉक का जो हम पाइथन में प्रोग्राम करते हैं वो कैसे करेंगे। तो अब हम सबसे ये हमारा जुपिटर नोटबुक ओपन हुआ है जिसमें हम सबसे पहले एक न्यू नोटबुक ओपन करेंगे। ये हमारे पास एक न्यू नोटबुक ओपन हो गया। तो हमारे पास एक टाइम की लाइब्रेरी होती है, हम उसको सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट टाइम, तो टाइम को हमने सबसे पहले इंपोर्ट कर दिया। फिर उसके बाद हम लिख लेते हैं अलार्म टाइम, जो कि हम यूज़र से इनपुट लेंगे। तो जो अलार्म हम सेट करते हैं तो फिर उस टाइम पे वो बजता है। तो हम ये हमने यूज़र से इनपुट ले लिया और यहाँ पे हम लिख देंगे एंटर नंबर, एंटर द नंबर ऑफ सेकेंड्स अंटिल द अलार्म। तो ये हमने सेकेंड से लगा दी हमें अलार्म। फिर उसके बाद हम क्या लेंगे, तो हम टाइम डॉट स्लीप कर देंगे। टाइम डॉट स्लीप कर देंगे और फिर इसमें हमने जो ऊपर लिखा हुआ है अलार्म टाइम कर देंगे। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे और प्रिंट कर देंगे कि टाइम। अब देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे ये यह हम कर देंगे तो ये इसके टाइम्स। अब देखते हैं, हम इस प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं कि क्या होता है, काम करता है कि नहीं। यहाँ पे हम 20 सेकेंड्स इंटर कर देते हैं। 20 सेकेंड्स बाद हमारा अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। अभी आप चेक करेंगे कि अभी हमारा यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो जाएगा टाइम 20 सेकेंड के बाद के टाइम इज अप। तो ये चेक कर देंगे कि ये प्रोग्राम काम कर रहा है कि नहीं। तो ये देखिए, हमारे पास 20 सेकंड के बाद आ गया टाइम्स अप। तो ये देखिए, हमने सबसे पहले टाइम की एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की, फिर उसके बाद अलार्म टाइप लगाया। तो यहाँ पे उसने टाइम सेट कर दी है सेकंड्स में कि हमारे पास जो अलार्म टाइम होगा वो सेकंड में सेट होगी। और फिर उसके बाद टाइम डॉट स्लीप लगा दी, कितने टाइम के लिए स्लीप हो रहा है। मतलब आप यहाँ पे 200 सेकंड्स भी लगा सकते हैं, फिर जितने सेकंड्स आप सोना चाहते हैं 2 घंटे दो उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करके तो आप चेक कर सकते हैं कितना। अगर आप इसको आवर्स में करना चाहते हैं आवर्स में करके और उसको डिविजन करके तो ना 60 पे कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने टाइम सोना है। फिर उसके बाद टाइम्स अप का आपके पास प्रिंट आ जाएगा। अभी तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था, इस वजह से सेकेंड्स में किया। तो ये आपके पास अलार्म का प्रोग्राम है। तो इतनी आसानी से आपने देखे अलार्म का प्रोग्राम बना लिया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।